विधायक समीर कुनावर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि आज जो है शेष सत्र का आखिरी दिन है, क्या आपने आपके विधानसभा क्षेत्र से क्या मुद्दों को यहाँ सदन में उपस्थित किया था और उस पर सकारात्मक सरकार की भूमिका रही? देखिए, ये शिंदे फडणवीस सरकार ये पिछले सरकार से सकारात्मक है। विदर्भ में अभी सत्र चालू है और पूरी तरह से चर्चा हो रही है, सभी विषयों पे चर्चा हुई है, सबका सुन रहे हैं और उसमें से जितना दे सकते हैं उन्होंने दिया है। धान के लिए उन्होंने बोनस बढ़ा कर दिया हुआ है, उसके बाद में हमारे जो सिंचाई के लिए जो किसानों की जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है उसके लिए हमने मांग की है कि उसके भी लिए प्रोजेक्ट के लिए मेरे क्षेत्र में आदमसरा बैरेज है, उसका बहुत दिन से करीब करीब 24 साल से पेंडिंग है। वो जो उसमें करीब करीब 36,000 लोगों का सिंचन का उसमें पानी मिल सकता है आजनसरा बैरेज करके, लेकिन वो पिछले कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी थे उनके हाथ से उन्होंने उद्घाटन किया, तब से कुछ नहीं हुआ, वो भी हमने रखा। उसके भी लिए उन्होंने निधि देने की बात की है, उसके भी लिए हमको निधि मिल रहा है। किसानों के हमने बहुत से प्रश्न रखे, किसानों का जो नुकसान हुआ उसके लिए जो पीक बीमा कंपनी है उनसे मदद मिलनी चाहिए, सरकार ने उसके लिए अलग से मदद पैकेज देना चाहिए, वो भी हमने बात रखी। किसानों को आज ये पोजीशन है कि रात को और दिन में क्रॉप के लिए बहुत से जंगली जानवर है, जैसे सुअर है और वैसे वो रानगाय है, वो रुई है, ऐसे अलग अलग जो है पूरे खेत में जाके पूरा खेत का नुकसान कर देते और उसको कुछ भी मिलता नहीं किसान को, इसलिए उसके बारे में मैंने बात रखा कि उसके लिए फेंसिंग के लिए किसानों को सोलर फेंसिंग, वो झटका बैटरी आती है उसका सोलर फेंसिंग होता है, उससे जानवर खेत में नहीं आता है, वो दूर भागता है, वो हमने हर किसानों को सब्सिडी पे देने की मांग की है। ऐसी बहुत सी मांगे हमने सरकार से की है और ये सरकार पॉजिटिव है, देने वाली ये सरकार है, इसलिए हमको इससे अपेक्षा है। उन्होंने बहुत सी बातें डिक्लेयर की है, आज शाम को रिप्लाई है, विदर्भ के मुद्दे पे चर्चा चल रही है, किसानों के मुद्दे पे चर्चा चल रही है, दोनों चर्चा आज लगातार चल रही है, कल से ये चर्चा शुरू है और उसका आज जो जवाब आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें बहुत सी बातें अपने को विदर्भ को मिलने वाली है। वर्धा से जो अस्पताल हिंगनघाट लेने की बात आपने की थी, बनाया जाए हिंगनघाट में, उस पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से आपको आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आपने कही तो ऐसा बोला था कि मैं अगर नहीं मांग पूरी होती है तो राजीनामा दूंगा। हाँ, मैंने बोला था वर्धा जिले में जो मंजूर किया हुआ जो शासकीय वैद्यकीय मेडिकल कॉलेज है वो हिंगनघाट में होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है, क्योंकि हिंगनघाट की पॉपुलेशन 1,30,000 है, लगा हुआ हाईवे है, उसके बाद में हिंगनघाट में उपजिला रुग्णालय है, हिंगनघाट में टाटा ट्रामा केयर यूनिट सेंटर भी है और लगा हुआ जो है चंद्रपुर जिला भी है, यवतमाल जिला भी है, तो वो सब के हिसाब से और हिंगनघाट की जो ओपीडी है वो 1,000 के ऊपर रोज की है, महिलाओं की 250 लोगों की है, तो ये सब होते हुए हिंगनघाट की जनता की मांग है, हमारी मांग है। गए 7 महीने से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे अब सिर्फ आश्वासन मिला है, इसलिए मैं 7 तारीख को जिस दिन पहला दिन था मैं पायरी पे बैठ के आंदोलन किया और मैंने बोला कि ये हमको हिंगनघाट में होना चाहिए और इसके लिए फिर माननीय उप मुख्यमंत्री आए थे और फडणवीस साहब ने मुझे बोला कि इसमें सकारात्मक प्रयास करूँगा, ऐसा उसने बोला था। मैंने ये भी बोला था कि अगर नहीं हुआ तो मैं राजीनामा दूंगा, तो मैंने अभी आज मेरा राजीनामा लिख के तैयार रखा हुआ है, मेरा राजीनामा आज के डेट के अंदर में मेरा तैयार है और मैंने सिर्फ मैं बोलता नहीं, मैं करता हूँ आज। तो अगर नहीं होती है मांग पूरी, आज ही मांग पूरी होनी है, ऐसे आपका मतलब कहना है? हाँ, तो आज ही होनी चाहिए, इसी मेरी इच्छा है, अगर आज नहीं होती तो उन्होंने मुझे ये बताना चाहिए, घोषित करना चाहिए कि हम आज ये ऐसा ऐसा करते हैं और बाकी इतने दिन में हम पूरा करेंगे। मुझे अगर पॉजिटिव उन्होंने बोल दिया तो भी मैं अपनी ये पीछे लूँगा, लेकिन मैं आज उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं अभी राह ही देख रहा हूँ कि वो कब आते हैं, मैं कब उनसे मिलता हूँ। तो ये थे समीर कुनावर, विधायक, और हिंगनघाट में जो सरकारी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वो होना चाहिए, मांग जो है पहले दिन से लगातार समीर कुनावर लेकर सदन में आ रहे हैं, और अगर आज मांग पूरी नहीं होती या सरकार की सकारात्मक भूमिका नहीं रहती है तो उन्होंने अपने साथ अपना इस्तीफा तैयार रखा है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।